डायरेक्टर प्रकाश झा इन दिनों अपनी वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बॉबी देओल वाली उनकी ये वेब सीरीज इस साल 3 जून को एमएक्स प्ले पर रिलीज होने जा रही है। बता दें कि आश्रम के पिछले दोनों सीजन को जनता का खूब प्यार मिला। तीसरे सीजन में बाबा निराला की काली करतूतों के बारे में दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार ईशा गुप्ता वेब सीरीज में अपनी अदाएं दिखाती हुई नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि उन्होंने आश्रम 3 वेब सीरीज में बॉबी देओल के साथ जमकर इंटीमेट सीन दिए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये खबर है कि प्रकाश झा ने अपनी फिल्म राजनीति का सीक्वल बनाने का भी मन बना लिया है। उन्होंने खुद इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान कंफर्म किया। हाल ही में प्रकाश झा ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए अपने आगे के प्लान्स के बारे में खुलासा किया। उन्होंने ऐसी कई फिल्में बनाई हैं जिनके सीक्वल की डिमांड लंबे समय से की जा रही है और इन्हीं में से एक फिल्म है राजनीति। ये फिल्म 2010 में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। अब खबर यह है कि इसका सीक्वल बन रहा है। झा ने बताया कि मुझे एक नए सब्जेक्ट पर काम करना पसंद है और राजनीति भी इसी का एक हिस्सा है। राजनीति में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और झा ने ये भी बताया कि मैं भी कुछ नए सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ। उनकी बातों से ये बात सामने आई है कि वे राजनीति में हो रहे बदलाव को फिल्म के जरिए पेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि फिल्म की स्टार कास्ट क्या होगी और वे इसकी शूटिंग कब शुरू करेंगे। बता दें कि 2010 में आई फिल्म राजनीति में रणवीर कपूर, अजय देवगन, कटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल, नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी लीड रोल में थे। आपको बता दें कि 2010 में आई फिल्म राजनीति की शूटिंग प्रकाश झा ने भोपाल में की थी। इस फिल्म में उन्होंने शहर के कई कलाकारों को काम करने का मौका भी दिया था। राजनीति के अलावा झा ने आरक्षण, जय गंगा जल, चक्रव्यूह, सत्याग्रह जैसी फिल्मों की शूटिंग भी भोपाल में की थी। हालांकि राजनीति के अलावा कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.